हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो फ्रेंड्स मौसम जैसे अच्छा हो रहा है, थोड़े थोड़े से प्लांट्स भी बढ़िया हो रहे हैं मेरे। कुछ प्लांट्स विंटर की वजह से डोरमेंसी में चले गए थे, जो ज़्यादा ही बेकार हो गए, वो भी मैं आपको दिखलाऊँगी। तो पहले फ्रेंड्स देखिए मेरे सारे प्लांट्स कैसे चल रहे हैं मौसम खुलने के बाद। जब से तो फ्रेंड्स ऐसा ही मौसम था। ये देखिए टर्टल वाइन है, ये काफ़ी लंबा हो गया था, इसकी कटिंग मैंने कर दी है एक बराबर। ये ओस और कोहरे में रखा हुआ था फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये बेकार हो गया। ये देखिए स्पैरिस्गस फन, ये देखिए फ्रेंड्स DIY, ये मैंने खुद बनाया है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा। ये देखिए मेरे ऑल प्लांट्स। देखिए फ्रेंड्स धूप भी बहुत बढ़िया निकल रही है इस टाइम पे। ये देखिए आप मेरे सारे प्लांट्स। ये मेरे सारे इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए आप, ये देखिए फ्रेंड्स करेबियन कॉपर प्लांट्स था, जिसमें रेड कलर के पत्ते होते हैं। सारा पत्ते झड़ गए इसके सारे। ये फ्रेंड्स मेरी क्रोटोन का प्लांट शॉक में चला गया, इसे आज मैंने फंजीसाइड से स्प्रे करा, फंजीसाइड का स्प्रे करा इस पर, और पानी भी डाला फंजीसाइड का ही। ये शॉक में चला गया मेरा क्रोटोन, पता नहीं फ्रेंड्स कैसे ठीक होएगा। प्लीज़ आप लोगों को पता हो तो बताना। बाकी सारे क्रोटोन्स मेरे बढ़िया चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स एक DIY प्लांटर ऑयल कैन से बनाया मैंने ये। ये स्नेक प्लांट है, ये फन का फन में। ये देखिए कैना लिली, इसमें फ्लावर कलियाँ तो बन गई पर फ्लावर नहीं खिल पा रहे, इसे कट करना पड़ेगा यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स रबड़ प्लांट, जो पूरे विंटर में इसने दो पत्ते निकाले। ये देखिए ये गुड़हल के पास रखा हुआ है, इस वजह से मैं दिखला नहीं पा रही आपको सही से। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया फ्रेंड्स, से 3 साल पहले लिया था मैंने एक ये रबड़ प्लांट। ये चाइनीज अमरूद, ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने लीव्स फेंकती नहीं हूँ, यहाँ पे कंपोस्ट बन जाता है मेरा लीव्स का। ये चंपा प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग कर दी, काफ़ी बड़ा हो गया था फ्रेंड्स ये। इसके मैंने काफ़ी सारे ब्रांच तोड़ दिए, एक यहाँ से आप देख सकते, एक सिंगल रखा बस, ये काफ़ी लॉन्ग हो गया था ये। ये डेंथस प्लांट है फ्रेंड्स, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया। देखिए ऑर्नामेंटल कैबिज, ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया था। 3-4 प्लांट्स फ्रेंड्स उन्होंने दिया था मुझे, सभी दिखलाऊंगी मैं आपको। देखिए एक्सोरा फ्रेंड्स अभी भी ब्लूमिंग करने के लिए तैयार है, बस कलियां खूब बन रही है। ऑरेंज एक्सोरा पे तो खूब सारी कलियां आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए ऑरेंज एक्सोरा मेरा, ही आप देख सकते हैं इसके हर एक ब्रांच में। ये देखिए नीचे से भी, और ये देखिए हर एक ब्रांच पे इसके कली बनी हुई है। ये पाउडर पफ प्लांट है, इस पर भी कलियाँ आ रही है। ये देखिए इस पर भी कलियाँ आ रही है। ये कुछ मेरी कटिंग्स है, ये देखिए एडेनियम की कटिंग, ये देखिए चली हुई है, ये भी एडेनियम की कटिंग है, ये ऊपर के टिप की कटिंग है। ये पिटोनिया है, इसे भी कटिंग से ग्रो करा। ये एग्लोनीमा, ग्रीन एग्लोनीमा, इसे भी कटिंग से ग्रो किया। ये देखिए ये भी हिबिस्कस है, इसे भी कटिंग से ग्रो किया। देखिए
ये क्रोटोन है फ्रेंड्स, इसे भी कटिंग से ग्रो किया मैंने। ये पेंजी है, सीड से ग्रो करा। ये फ्रेंड्स बेल वाला मोगरा है, ये इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो करा। पता नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ, पर पिछले 1.5 महीने से ऐसे ही है। ये ग्रीन है वैसे, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया, पोलका डॉट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डेनियम है, इसकी कटिंग मैंने लगाई है। इसकी कटिंग यहाँ से मैंने कटिंग ली थी इसकी, और ये 3 ब्रांच निकले उसके बाद ही, 1 2 3 4 निकले थे फ्रेंड्स, एक पर सूख गया किसी वजह से। ये देखिए एक ये रहा यहाँ पे है, ये रहा, ये 3 ब्रांच निकले इसमें। ये मेरा जेड प्लांट है फ्रेंड्स, जो काफ़ी घना हो, घना तो लंबा ज़्यादा हो गया, पत्ते बहुत सूख सूख के गिर रहे थे विंटर में, क्योंकि खुले आसमानों के नीचे रखा, जिससे कोहरे और पाले का प्रभाव इस प्लांट्स पे काफ़ी पड़े हैं। ये कलंचू है जो सिर्फ कलियाँ आई हुई है, ये डेंथस है, ये भी एक्जोरा फ्रेंड्स, इसकी भी पत्तियाँ झड़ रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर फ्लावर या दंत क्रांति, इसमें भी कलियाँ खूब सारी आ रही हैं, येलो कलर की है। देखिए ये मैंने कटिंग से ड्रेसिना का प्लांट ग्रो किया। ये देखिए क्रिसेंथेमम प्लांट्स, इसे मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से लाई थी, इसमें भी ये देखिए कलियाँ आने लगी हैं, मतलब फ्लावर खिलने वाला कुछ टाइम बाद। ये मेरे पास एक ही था, ये देखिए इसमें ऐसे कलर का फ्लावर आ रहे हैं। एक फ्रेंड्स ये दिया था मेरे बहन के हस्बैंड ने, ये देखिए इसका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ स्टॉक फ्लावर है ये। और ये देखिए एक और एक ये है, इसमें ये फ्लावर एस्टर के प्लांट है फ्रेंड्स। ये दोनों, इसका शायद पता नहीं एस्टर ये है नहीं, पर ये एस्टर है, इसके लिए पता, वैसे तो एस्टर ही कह रहे थे। ये चार प्लांट उन्होंने दिया था मुझे। ये देखिए पिटोनिया, स्टार पिटोनिया, ये देखिए फ्रेंड्स पेंजी प्लांट, जिसे मैंने सीड से ग्रो करा, 2 कलर के पेंजी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर था, पर इस बार देखिए कैसा कलर आया, डिफरेंट कलर, येलो और ये कलर था फ्रेंड्स दोनों, पर इस बार ऐसे फ्लावर खिले हैं। इसमें 6 प्लांट्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स, सब में कलियाँ आ रही है, ये देखिए सभी में कलियाँ आ रही है। ये देखिए, और ये मेरे सारे गार्डन। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।